सर ये पेन यूज है पहले ऑन कर दो हम उसको बता देंगे और दिस करेक्ट है सर केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 पहले स्कूल का नाम लिखा जाएगा दैट इज मैम ने कहा था कि इसे मतलब इसमें बनाना केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 ठीक है और ऐसे आप इसको किसी उसके नीचे नोटिस गैप छोड़ना एक इसके बाद एक गैप छोड़ना अभी नहीं फिर यहाँ पर डेट यहाँ फिर गैप हो तो डेट डाल दीजिएगा कि 25th जुलाई ऐसे में फॉर्मेट बता रहा हूँ जो नेट का है डाल दिया अब यहाँ से एक ऐसे स्पेस सर ये केंद्र विद्यालय और नोटिस में एक लाइन छूटी छूटी नहीं रहेगी यहाँ से वो लाइन खींच देना तो खुद से लाइन आप ड्रॉ कर लो बस अब कोई गैप नहीं रहेगा इंसान में कोई गैप नहीं रहेगा ठीक है सर आप एक बार यहाँ पर छोटा सा लाइन खींचो वहाँ पर लाइन छोड़ना देखो इसके बाद इनके और इनके बीच इस लाइन और इस लाइन जहाँ पे गैप दिया वही गैप है ये गैप इसको कहते हैं इसको क्या कहते हैं सर हम समझ गए That is annual day program. सर ये डेट और इसके नीचे गैप यहाँ पे एक गैप है ओके नाउ ऑन 26th December 2024 ठीक है अवर स्कूल विल होल्ड वैसे जुलाई है तो मैं ज्यादा पहले नोटिस नहीं लिखी जाती है थोड़ा पहले आगे लिखी जाती है तो ऐसा लिखो 10-15 दिन पहले ऑन 30th जुलाई ऐसे लिखो ठीक है 25th जुलाई और 30th जुलाई 5 अगस्त वो भी चल जाएगा अगस्त दिन तूने वो किया है लिखा है अब देखिए ठीक है अवर स्कूल विल होल्ड Old held तो annual day celebration ठीक है annual day सर ऐसे भी लिख सकते हैं ना our school organized the annual day function in our school is going to held there is a annual day जब school की स्थापना होती है वही उसका annual day होता है तो जो school का क्या होता है स्थापना दिवस जिस दिन स्कूल बनता है खुलता है तो उसके हिसाब से चलता है ओके तो एनुअल डे सेलिब्रेशन हूएवर वांट टू पार्टिसिपेट ओके हूएवर वांट टू पार्टिसिपेट वांट टू पार्टिसिपेट दोज स्टूडेंट्स कैन गिव their name to art teacher Mrs. Kamala Verma अब जैसे स्कूल में कोई आर्ट टीचर होंगे मेनली वही ये सब ऑर्गेनाइज कराती हैं जो डांस टीचर होती हैं या आर्ट टीचर होती हैं तो किसी एक को जिम्मेदारी दी जा सकती है सर हमें तो लिखवाते हैं गिव देयर नेम टू हेड बॉय हेड नहीं टू अंडरसाइन नहीं किसी का नाम लिख सकते उसमें कोई बात नहीं वो अपना नाम किसे दे सकते हैं स्कूल में सबको पता रहता है टू डांस टीचर मिसेस कमला वर्मा और ये कब देना है बिफोर 31st जुलाई क्योंकि थोड़े दिन प्रिपरेशन के लिए भी चाहिए बिफोर 31st जुलाई 2024 अरे एक मंडे का तो फंक्शन होता है तो टाइम अब यहाँ पर क्या होगा कि जो भी ये कोई है वो हेड बॉय होगा या हेड बॉय होगा या हेड गर्ल होगा सिग्नेचर इसमें भी एक गैप रहेगा एक गैप यहाँ रहेगा हेलो हाँ जी किस कंपनी से बोल रहे हैं
दो कंपनी आप किस कंपनी? एक तो ओ जनरल का गया है और एक कौन से ओ जनरल आ जाइए। एट बी वर्तमान पढ़ो एयरफोर्स स्टेशन। हाँ अपोजिट एयरफोर्स स्टेशन के बगल वाली जो बनी है मालवी नगर जानते हैं आप, उसके बगल वाली गली है। तो अभी एसी आप नहीं आ रहे थे आवाज मुझे लगता आया नहीं। ओके ठीक। नाउ इसके बाद नेम, पहले इसका सिग्नेचर होगा अपने यहाँ पर क्या आएगा बताइए। दैट इज हेड बॉय गर्ल सर। बात समझ आ गई? इस तरीके के फॉर्मेट में होगा, यहाँ भी एक स्पेस होगा, यहाँ भी स्पेस होगा। सर हमारे में ऐसे लिखवाते हैं जैसे हेड बॉय गर्ल, हेड बॉय गर्ल और बॉय नेम पहले लिखेंगे बाद में खुद से सिग्नेचर करेंगे। नीचे सिग्नेचर करा? हाँ नीचे सिग्नेचर करा। और भी फॉर्मेट देख लेता हूँ अगर ऐसा किया है। ठीक है सर पहले नाम लिखते हैं तो मैं ऐसा देख लेता हूँ उसमें पहले सिग्नेचर दिया। मैं दो चार जगह देखूँ सर पता चल जाए क्योंकि मैंने अभी तक जितने एग्जाम दिए उसमें नीचे ही किए। हाँ वो तो लास्ट में करते हैं। हाँ तो सर बोल रहे हैं नहीं सर ऊपर नहीं करते नीचे करते हैं। ऐसे करने से नहीं है जो रिजल्ट में चलेगा क्योंकि हर साल तो आपके टीचर बदलते रहेंगे ना। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसको आप लीजिए। नेम एंड सिग्नेचर, इसमें सिग्नेचर ऊपर लिखा है और मैं देख लेता हूँ एक दो जगह। देखो हर एक में मैं दो तीन दिखाऊं। इसमें ऊपर सिग्नेचर है और पिछले वाले में तो इसमें ये देखो सिग्नेचर ऊपर है। सिग्नेचर ऊपर करना हमेशा नीचे ही करा जाएगा। नीचे सिर्फ एप्लीकेशन में होता है। सिग्नेचर करना देखो क्या लिखा है हेड बॉय गर्ल का सिग्नेचर और नीचे क्या लिखा है हेड बॉय गर्ल लिखा है इसके नीचे और लिखाता हूँ यहाँ देखिए आपके में फॉर्मेट दिया रहेगा ना। अब आगे देखो अब हम लोग आते हैं कि इंग्लिश की एक्सरसाइज पर। तो चैप्टर वन की एक्सरसाइज हो गई थी क्लास एट चैप्टर टू एक्सरसाइज। सर वर्किंग विद लैंग्वेज करो एक मिनट। सप्लीमेंट्री हो गया? सप्लीमेंट्री का हुआ? सप्लीमेंट्री का पहला चैप्टर हो गया क्या? हो गया नहीं हुआ सर वर्निंग ड्यू का हुआ सिर्फ। सर सप्लीमेंट्री भी करा। हां करा ले। क्लास एट इंग्लिश चैप्टर टू एक्सरसाइज कौन सा चैप्टर है? चैप्टर टू क्या है? देखो कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप लोग बताइएगा। टिलीज फैमिली व्हाट डिड टिलीज फैमिली गेम टू व्हाई डिड टिलीज फैमिली टू सेलिब्रेट क्रिसमस। What were the warning signs that both Tilly and her mother saw? देखो Tilly को उसके स्कूल के टीचर मतलब जो बीच है वो छोटा होता चला जा रहा था तो उसकी Tilly और उसकी मदर ने ऐसे क्या वार्निंग साइन देखे जिससे वो बीच को छोड़कर चली गई। सो दैट इज बोथ सॉ द सी राइजिंग। सुन लो बोथ सॉ द सी राइजिंग सी उठ रहा था एंड इट स्टार्टेड टू फोम एंड मेक वर्ल्ड फूड ये झाग बना रहा था। सो इसलिए Tilly एंड हर मदर सॉ द सी राइजिंग एंड इट वॉज मेकिंग ये क्या बना रहा था फोम। फोम समझते हो झाग। ओके सेकेंड क्वेश्चन का आंसर तो पहले क्वेश्चन का क्या आंसर है कि Tilly family came to Thailand to Thailand to celebrate Christmas came to Thailand अच्छा
to celebrate Christmas. Second question. So, now, Tilly and her mother saw that sea was rising and making foam and making whirlpool. क्या नाम बेटा? तृप्ति नाम. ये whirlpool समझते हो? जैसे circular, cyclone, है ना? पानी का बवंडर. वो जैसे हमने इसमें दिखाया था. Tornado. वही चीज़. तो Tilly and her mother saw that sea was rising and making, और क्या कर रहा था? Making foam and whirlpool, छाक बना रहा था. Foam and whirlpool. नहीं रहा था कुछ समझ रहा है तो बताओ. चैप्टर तो हमने समझाया था, हम भेज देंगे आपके में फिर से इसका वीडियो भेज. सर सी वाज सी वॉज राइजिंग. क्या समझ रहा था? क्या उन लोगों ने देखा कि सी क्या हो रहा है? सी राइजिंग हो रहा है. ठीक है कि नहीं? सर पहले तो उन्होंने देखा कि अंदर जा रहा है. हाँ बोलो. बर्ड की मीनिंग ही समझ गया सर. व्यसनी ना, बुरी आदत वालों का क्या नष्ट होता है? विद्यापन. कस्य यशः नश्यति? लोभी का. लोभी का यश नष्ट हो जाता है. लोभी होगा तो उसका फेमस हो जाएगा. ठीक है, तुमसे कहा जाए लो एक इलायची खाओ तो मुट्ठी भर इलायची उठा लो कई प्लेट में सामने, तो लोभी का क्या नष्ट हो जाएगा? यस. मधुमक्खी का क्या बनाती है? मधुमक्खी माधुर्यम शहद बनाती है. और ये मधु मधुर सूक्तम अच्छे श्लोक कौन बनाता है? संत केश रजंती. और अधिक ये अर्थिना केत्या विमुखा ना यान्ती. जो अर्थिना जो अर्थ यानी जो मांगने आता है उसको कौन नहीं लौटाता है? सांगवान का पेड़. ठीक है, मैं चैप्टर भेज दूंगा. सर फॉर्म एंड क्या? फॉर्म एंड वर्ल्ड फूल. वर्ल्ड फूल का मतलब है किस तरह की चक्री घूमता है, जैसे वो टॉर्नेडो को नहीं रखा है वैसा ही, उसको वॉर्टॉक्स भी कहते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए. देखो स्मिथ फैमिली एंड हर अदर्स. अब इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन. फिफ्थ इसके बाद इंपॉर्टेंट है. डायरेक्ट फिफ्थ. हां, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? वेयर डिड द स्मिथ फैमिली एंड अदर्स ऑन द बीच गो टू एस्केप फ्रॉम द सुनामी? तो वेयर डिड द स्मिथ फैमिली एंड अदर्स ऑन द बीच. जो स्मिथ का परिवार था और दूसरे लोग थे, वो सुनामी से बचने के लिए बीच से कहाँ गए? थर्ड फ्लोर ऑफ होटल. एंड वर सेव. क्यों सेव हो गए? क्योंकि होटल मजबूत था, उसने जग सह लिया, होटल नहीं गिरा. नहीं तो स्मिथ एंड हर फैमिली वेंट टू थर्ड फ्लोर ऑफ होटल एंड वर सेव. ओके, स्मिथ and her family went to hotel, third floor of hotel. Went to the third floor of hotel. We saved their life. Work saved. अब देखिए. देखो. In tsunami, 150,000 people Shatavar died. How many people cattle died? कितने मवेशी मरे? बोलो. Sir, two water buffalo. हाँ, back होता. Two water buffalo and ये two water buffalo. Very few animals had died and knowingly two water buffalo. है ना? ऐसे आप ये कह सकते हैं ऐसा क्यों? Because they can. सर बाकी के वो. They have their sixth sense of. हाँ, sixth sense होता है उनका. They can sense. जो भी fourth coming emergency है, क्या उसका पता लगा देते हैं? आने वाली किसी भी आपदा का पता लगा देते हैं. तो इसमें क्या लिख सकते हैं?
कि हाउ मेनी एनिमल्स हैव डाइड, वेरी फ्यू एनिमल्स, वेरी फ्यू एनिमल्स, अगला वाला पेज निकालोगे तब उसमें मिलेगा, वेरी फ्यू एनिमल्स, कितना? अब देखो फर्स्ट बात नहीं करिए और नाउ people and animal died in Yala National Park. 60 visitors and 2 animals. Yala National Park में 60 visitors and sir आपने बोला कि हर animal का 6 sense होते हैं तो 2 animal कैसे मरते हैं? क्योंकि animal लोगों के pet हैं और वो उनको बांध के रखते हैं, तो जिनको बांध के रखा जाएगा वो भाग नहीं पाएंगे। सर कंपाउंड लगाते हैं क्या? कंपाउंड लगा दिया जाता है, कहीं कुछ लगा दिया जाता है, तो वो कैसे भागेंगे? ठीक है कि नहीं? यस। और देखिए कई बार तो कुत्तों ने भी मना कर दिया, इसी चैप्टर में था कि दे डिनाइड टू गो टू बीच, वो मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं गए, उनको मालूम था ये बात। ओके सो 60 विजिटर्स एंड 2 एनिमल्स डाइड इन याला नेशनल पार्क and 2 animals died in Yala National Park. फिर यहाँ जहाँ नहीं समझ में आया वो उसकी मीनिंग हमसे पूछ लेना, अगर कोई नहीं समझ में आया, नहीं तो इन लोगों को पता, इनको पता होगा बता दें। ठीक है ओके नेक्स्ट देखिए What do people say about the elephants of Yala Sir, National Park? Sir, हमने बताया कि एक मतलब बहुत पहले ही सारे जो elephants हैं वो यहाँ से चले गए। देखो, the elephant ran an hour before tsunami in Yala National Park. एक घंटे पहले ही भाग गए। Animal ran an hour before. ठीक है? An hour before from Yala. Before an hour नहीं होता। Elephants ran. An hour before, एक घंटा पहले, an hour before. Sir, an के मतलब हाँ sir, ये ऐसा है ना, ये silent है इसीलिए an लगता है, ठीक है? Tsunami in Yala National Park. बात करोगे तो बेटा अगले टेस्ट में इतने नंबर नहीं आएंगे, ठीक है? आगे देखो What did the dogs in Galley do? श्रद्धा What did the dogs in Galley? कुत्तों ने क्या किया? रिफ्यूज कर दिया जाने से। बेटा तो जो ये पहले का चल रहा था पास्ट टेंस में, हम डू में ना लिखें क्योंकि ये 10 साल पुरानी घटना है। दे रिफ्यूज्ड टू, बल्कि 91 के ये इवेंट है ना, so they refused to go to beach for their daily exercise. Dogs refused to go to beach. Refused to go to beach for daily exercises. Okay. अगला क्वेश्चन देखो, एक इसमें संजीव है क्वेश्चन नंबर 2, तो बहुत सारी चीजें दी है कि संजीव क्या क्या है, तो इसका आंसर है वो ब्रेव है, हीरोइक है और सरप्लस है। देखो बहुत सारे मीनिंग दिए हैं संजीव के बारे में, तो तीन चीज लिख देना सर, जैसे आपने लिखवाया ब्रेव, हीरोइक एंड सरप्लस, तीन लिख देना। सो व्हाट आर द फीचर्स उसके, देखो कौन कौन परिवार के लोग बह गए थे, बच्चे बह गए थे, वाइफ और ग्रैंड मदर, यही लोग तो बह थे, उसने क्या देखा,
अब वो किसको बचाने के लिए गया था? किसी कुक को बचाने के लिए। हाँ जिसमें सर वो और उसका कुक। संजीव वाज ब्रेव। देखो अगर तुम श्रद्धा यूज करोगे तो ये चूंकि 91 की घटना है, अभी से कितने साल पहले, 24 साल ही और 9 साल वो, तो इसमें तीन ही चीज तुम यूज करना, वॉज वर हैड और डिड। इन्हीं का यूज करना, पास्ट टेंस है, डू मत यूज करना। सेल्फलेस का मतलब है निस्वार्थ, वो खुद को जो बचाने चला जाए, नहीं तो अपने अपने को जान में डाल डालता क्या। सो ही हैज एंडेंजर्ड हिज लाइफ। करो संजीव वाज कैसे करोगे? सर संजीव वाज ब्रेव हीरोइक पर्सन। उसी बुक से देख के करो हेल्पलेस, इसलिए क्योंकि संजीव बचाने जाता है नहीं, वो संजीव ने बचाया, वही तो लगाओगे ना जब ज्यादा पहले की। अगला देखिए सर, एक बार इसमें एक डेट बता रहे 26 दिसंबर 2004 है ना, तो इसका मतलब है 20 साल पहले की घटना, 2004 की बात नहीं। 26 देखो क्रिसमस की बात है तो क्रिसमस सर, वो इसके वो देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, यूज वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट टू कंप्लीट। आई डोंट नो इफ संजीव वाज चीयरफुल एंड बाय टीयर्स और ब्रश। हां सर अभी बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो एंड बी स्पीकर वाले सर, ब्रश और आई डोंट नो इफ संजीव वाज संजीव चीयरफुल, क्योंकि ऐसा बुक में दिया ही नहीं है, संजीव खुश मिजाज था कि इसके बारे में कोई बात नहीं है, तो तुम क्या तीन चीजें संजीव के बारे में नहीं जानते, यही क्वेश्चन है जो पढ़ रही हो, तो क्या तीन चीजें संजीव के बारे में तुम सर्टन नहीं। चीयरफुल की तो कुछ नहीं कहा, उसने टीवी नीचे से उठा के ऊपर रख दिया, ऊपर से नीचे उठा दिया। एम्बिशियस का मतलब महत्वाकांक्षी की मैं नया मकान बना लूंगा, फिर ये कर लूंगा, ऐसा बोल दिया। एंड बैश, ब्रश का मीनिंग अभी बता रहे हैं। ब्रश, संजीव वाज एंबिशियस, पहला तो चीयरफुल था, खुश मिजाज था, ऐसा कुछ बताया है? चीयरफुल तो दे ही रखा है, नहीं दिया सर बुक में दे रखा है, क्वेश्चन कहाँ दिया? क्वेश्चन में चीयरफुल, हाँ यहाँ तो दिया रहेगा, इसका मतलब है कि इस स्टोरी में नहीं बताया कि वो चीयरफुल है, तो तुम क्या नहीं जानते संजीव के बारे में कि वो चीयरफुल था, ये एंबिशियस था या ब्रश? ब्रश बताना, चीयरफुल ambitious और ब्रेस्ट में नहीं दे रहा हूँ, दूसरे को अभी देखता हूँ। रोहित संजीव बहुत ब्रेव एंबिशियस, ब्रेस्ट मीनिंग मतलब वो एडामेंट हीट, किसी चीज के पीछे पड़ जाए हमें तो यही करना है, वो वैसा कुछ नहीं ना। ब्रश का मतलब क्या है कि एडामेंट, जिद्दी, जिद्दी, इतनी बात जिद्दी समझ में आई। संजीव के बारे में तीन चीजें नहीं पता थी, तुम लोग सब एक ही क्लास में पहुंचा वहाँ पे हो सर, मतलब कि अभीष के सेक्शन। आई थिंक दैट ही वाज वेरी ब्रेव, हीरोइक एंड सेल्फलेस, ऊपर लिखा है। हां तो कौन कौन था? आई ब्रेव हीरोइक एंड सेल्फलेस। आई थिंक ही वाज वेरी ब्रेव हीरोइक एंड सेल्फलेस, सर ये तो लिखा हुआ है ना, लिखवाने की जरूरत। संजीव बहुत वेरी ब्रेव हीरोइक, हीरोइक का मतलब कोई बड़ा बहादुरी का काम कर जाए। ब्रेव सभी होते हैं लेकिन हीरो कोई कोई होता है, अगर किसी दूसरे को बचा रहा है तो वो हीरो है, हीरो वो होता है जान बचाना, तो हीरो ही है फिर।
जो सेल्फलेस हो खुद के बारे में सर, जैसे कि अब वो कहते हैं सर जान नहीं बचती तो फिर ये ताने मारते लोग कि तूने इसको संजीव के बारे में कुछ चीजें और हैं जो तुम कह सकते हो कि वो हार्टलेस नहीं था। हार्टलेस होता तो क्या कुक को बचाता? तो अगला क्वेश्चन क्या है, संजीव वाज नॉट हार्टलेस। बहुत बड़ा दिख रहा है उसका, बहुत बड़ा दिख रहा है मतलब मजाकिया। मजाकिया तो नहीं लगा संजीव, वो हार्टलेस भी नहीं था, मजाकिया भी नहीं था और केयरलेस भी नहीं था, मतलब वो गर्लफ्रेंड टीवी रखा था, बेपरवाह तो नहीं था या लापरवाह नहीं था। ओके नेक्स्ट देखो, हाउ आर द मेघना एंड अलमाज स्टोरी सिमिलर। देखो एक 13 ईयर की लड़की, बात नहीं करो, एक 11 साल की लड़की है, दोनों की कहानी सिमिलर कैसे, क्या दोनों ही सुनामी में बच गई? लकीली और सर लकीली दोनों बच गए, सर दोनों सर दोनों के सामने से हेलीकॉप्टर गया 18 बार नहीं एक 11 बार एक 18 बार संजीव गया बहुत बच्ची मेघना एंड अलमा बोथ वर लकी, दोनों ही लकी थे। एंड हाउ दे वर सेव, मेघना वाज कैरीड अवे विद हर पेरेंट्स एंड अदर पीपल, 70 लोग बह गए थे, ये मेघना के साथ ही हुआ था क्या? मेघना वॉज कैरीड अवे, किसके द्वारा ले जाई गई थी? बाई वॉटर, बाई वेव्स, ठीक है, विद हर पेरेंट्स एंड फ्यू पीपल, ऑल ऑफ देम, देखो बात सुनो, All of them had died. सभी मर गए थे. All of them. अभी ये मैं पूरा नोट करता हूँ आपके सामने, इसी को दृप्ति देखना बिना देखे बोल के सुनाएगी. हाँ इतना आसान है. All of them. याद ध्यान दीजिए. All of them. आगे का सेंटेंस पूरा करो. All of them. देखो ये बहुत अच्छा करी. Had died बोला. बहुत बड़ी बात है. क्योंकि इन्होंने स्ट्रिक्ट कर लिया. मर चुके थे. बहुत बड़ी बात है, पास्ट की बात है, पास्ट है, मर चुके थे, ठीक है कि नहीं? हाउ दे वर, क्या बोल रहे हैं फिर? बट शी अलोन गॉड सर्वाइव, वो पहले मर गए और ये बाद में बची, तो जो ये अर्लियर पास्ट हो गया और शी अलोन गॉड गॉड बिना लिखो सर्वाइव, और कैसे गिरता वो सर अर्लियर के सामने लगा दी। ओके देखो ध्यान दीजिए, शी वॉज कैरीड अशोर, वो किनारे पर ले आ गई, ठीक है, बाय द वेव्स, शी वॉज ऐसा लिख दो, शी वॉज थ्रोन बैक एट कोस्ट, कोस्टल एरिया होता है कि नहीं, एट बीच बाई दाई वापस फेंक दीजिए, पानी लेके बोला तुम नहीं चाहिए बाकी सब चाहिए, ठीक है, अलोंग विद देख लो रिटर्निंग वेव्स, ये ध्यान दो, ये बहुत यही चीज श्रद्धा बार बार बोलती है, रिटर्निंग वेव्स, सो शी वाज थ्रोन बैक टू बीच अलोंग विद रिटर्निंग वेव्स, रिटर्निंग वेव्स, हेलो
मालवीय नगर, अब ये उधर जो पोलो ग्राउंड है ना, पोलो ग्राउंड वाली रोड पर खड़े हो गए आप, नहीं तो दूसरी तरफ पोलो ग्राउंड जो कर लो तो मालवीय नगर से उधर चलोगे तो अब अगली गली हमारी है। हाँ हाँ वही वाली है, और उसी में आप चले जाइए एल के गौर का जो मकान है लास्ट वाला उसी गली में, उसके बाद का दूसरा मकान है स्टील। इतनी बात समझ में आ गई? ओके अब देखिए, नाउ अल्मा क्लाइम्ड ऑन ए लॉग, जबकि अल्मा के बारे में क्या कहानी कही गई है? अल्मा हाँ इसी में चले जाइए, इसी गली में मुड़ जाइए, सबसे लास्ट चले जाइए, और जब जाएंगे उसमें एक नींबू का पेड़ मिलेगा इधर में, वही स्टील का गली, आठवां दसवां मकान है। हाँ लेफ्ट साइड पर इसी में आप अभी अभी गली में गए नहीं क्या, एंटर हो जाए तो अब दसवां मकान होगा और लेफ्ट साइड का मकान है। देखिए अल्मा क्लाइंड ऑन ए लॉग, लट्ठा, लट्ठा नहीं सर, लट्ठा होता है ये इस तरीके की लकड़ी होती है लंबी ऐसा, शी क्लाइंड, ये अल्मा बैठी है इस पे ऐसे और क्या, और फिर ये अल्मा इस तरह और क्या, कभी इनको भी दिखाओ ये देखो, और इस पे बैठे बैठे पानी में चल रही, तो फिर वो बीच में आ गई। सो शी क्लाइम्ड ऑन ए लॉग एंड उस पे कितने दिन तक रही बताओ, दो। व्हेन शी ओपेंड हर आईज शी फाउंड, जब उसने अपनी आंख खोली तो क्या हुआ बोलो, तो वो बस उसने इसी चीज को बड़ी उससे ग्रिप करके रखा हुआ था कि मुझे कुछ हो रहा है, तो ये इसने इस तरीके से ग्रिप करके रखा है, अब इसे कुछ हो पाएगा क्या, ये कुछ नहीं हो पाएगा, पानी बह रहा है। शी वॉज वेरी ब्रेव, नाउ क्लाइम्ड ऑन ए लॉग एंड व्हेन शी ओपेंड आई शी फाउंड हरसेल्फ इन हॉस्पिटल। सर ऐसे तो नहीं पकड़ा हुआ है सर, जब ऐसे बड़े लॉग ऐसे मुड़ नहीं जाएगा। हाँ ये बात सही कह रहा है, ये कह रहा है कि अल्मा ऐसे लेटी हुई थी और उसके नीचे पिलो लगा सर खाने का सामान ऐसे मुड़ नहीं जाएगा, वही अभी बता रहा हूँ। व्हेन शी ओपेंड आई शी पूछो इसको करो तिनका था, ये तुमको पता चली है, संता संता मधु सूक्ष्म कौन है संत, शुक्रिया। लास्ट में क्रिया, दिस इज वर्ब दिस इज नाउन, नाउन एंड वर्ब, ठीक है चलो। अरे चक्कर ही नहीं है, ओके। अल्मा क्लाइम्ड ऑन ए लॉन्ग लॉग, व्हेन शी ओपेंड आई शी फाउंड हरसेल्फ, व्हेन शी ओपेंड आई शी फाउंड हरसेल्फ, शी फाउंड हरसेल्फ इन हॉस्पिटल। कौन बात कर रहा है अभी, उन लोगों का पेपर है और तुम बात कर रहे हो, अन्य कौन तुम बात कर रहे हो, उसका भी बगल वाले का संस्कृत का पेपर है, ठीक है ना। सर दोनों के साथ सेम ही चीज हुआ था, दोनों के साथ है, दोनों बच गए थे, तो फिर आपने सिर्फ अल्मा बनाया, मतलब मेघना भी थी, ये मेघना की कहानी है अल्मा की। अच्छा अल्मा हॉस्पिटल में पाई गई जब वो लट्ठे पे लेटी, और ये अब देखिए लट्ठे पे वो बैठी थी।
ओके द फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन नंबर 2 निकालो। बुक में लिखा हुआ है कि टीचर ने बोला कि एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आएंगे, तो एक्सरसाइज पूरी आप समझ लो। बात नहीं करो आपस में बेटा। द अर्थ ट्रेम्बल्ड बट नॉट मेनी पीपल फेल्ट द क्वेश्चन पढ़ो। अर्थ ट्रेम्बल्ड कांप गई। सर ट्रेम्बल्ड ट्रेम्बल्ड का क्या मतलब होता है? कांप गई। बट नॉट मेनी पीपल फेल्ट, तो फेल्ट में दो, ये दो चीज बता रही है, एक तो ट्रेम्बलिंग बता रही है और एक है कि ट्रेमर्स, दोनों ही ठीक है, मतलब उस कंपन को महसूस नहीं किया, एक है ट्रेम्बलिंग, ठीक है। सो बट नॉट द सिटी स्लेप्ट बट आई वॉज वेकिंग बट आई वॉज नॉट स्लीपिंग, शहर सो गया लेकिन मैं जाग रही थी, दैट इज बट आई वॉज नॉट स्लीपिंग, समझ आई कि नहीं? या फिर तुम ऐसा कह सकते हो कि टर्मर्स, जो तुम्हें अच्छा लगे, दोनों एक ही मतलब, टर्मर्स या फिर ट्रेम्बलिंग, 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 बहुत सारे, धरती कांप गई लेकिन लोग नहीं कांप रहे थे, इसका मतलब है अंडमान निकोबार के लोग बहादुर थे, वो क्यों नहीं कांप रहे थे, क्या उन्हें जान का खौफ नहीं था? Why the peoples were not trembling? I think they were very brave. That's why they were not trembling. Earth trembled, but people were not shaking. How it could be? Now, when the zoo was flooded, there was a lot of dash and many animals escaped into countryside. Bolo. When zoo was flooded, जब वहाँ बाढ़ आ गई, okay? Now, when zoo was flooded, there was a lot of confusion. Lot of confusion. देखो confuse से confusion बनाना, abstract now. There was a lot of confusion. But लोगों में confusion था, लेकिन जानवरों में क्या भावना थी? चलो निकलो. जानवर निकल दिया, आदमी कंफ्यूज है, उनको मालूम है कहाँ जाना। सो बट एनिमल्स हैड मैनेज्ड देयर ओन वे, बट मैनी एनिमल एस्केप इनटू कंट्रीसाइड। ओके, मैनी एनिमल्स एस्केप इनटू कंट्रीसाइड। भाई वो खुद के मकसद से नहीं आए, बात नहीं करो बेटा, उसका संस्कृत का पेपर है, जब किसी का पेपर होता है सर चाय ला दें ऐसे बोला जाता है, तुम बात करो उससे, कुछ सेवा की जाती है, ऐसे मत करो। बट मैनी पीपल एस्केप टू कंट्री साइड, गाँव की ओर चले गए, मैनी एनिमल कहाँ चले गए? गाँव, कंट्री साइड, शहर छोड़ के। सुनो, शहर में बिल्डिंग गिरेंगी तो हाथी दब जाएंगे, अब गाँव में झोपड़ी गिरेगी तो दबा पाओगी? झोपड़ी से दबा लोगी? ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पे हुआ था ना, हाँ, तो ये कंट्री साइड, जब भूकंप हो तो ओपन एरिया में जाना चाहिए, इसीलिए वो कंट्री साइड चले गए जानवर। अब देखो की बात है, वी हर्ड विद रिलीफ दैट द लाइन हैज बीन रिकैप्चर्ड, वी हर्ड शेर भी भाग गया लेकिन उसे फिर पकड़ लिया। बेचारा। We heard the relief, ठीक है, that the lion, वरना lion भी भाग रहा था, लोग भी भाग रहे थे, lion ने कहा कंट्री साइड चलो वहीं तुमको खाएंगे। lion कंट्री साइड भाग रहा था, लोग भी भाग रहे थे, कहने खा नहीं रहा, बोले वहीं चलो दावत लोग। It's relief, then
the land was had been recaptured. Okay. Next the game. Excitement. The zookeeper was stuck in a tree. And his rescue was filmed by a TV crew. Yes. Zookeeper, वो फंस गया था, उसे बचा नहीं रहा है वो यूट्यूबर, उसका वीडियो बना रहा है. ब्लॉग. The zookeeper was stuck in a tree and his rescue was filmed. Rescue का मतलब उसे कोई बचा रहा था, तो जिस जो बचा रहा है और जो बच रहा है उन दोनों का वीडियो यूट्यूबर ने बनाया. एंड हिज रेस्क्यू क्या सर को बताने वाला है क्या वाज फिल्म्ड बाय टीवी क्रू. अब देखिए देयर वाज मच एक्साइटमेंट in the village when snake charmer came visiting. Excitement in the village. जब सपेरा गांव में आया तो लोगों में बहुत उत्तेजना थी. There was much excitement. बहुत उस समय लोग एक्साइट हो गए. When snake charmer क्योंकि okay. उसके पिटारे में छेद था और उससे सांप निकल निकल कर भाग रहे थे. पिटारे में छेद जिसमें सांप रखे थे तो लोगों में एक्साइटमेंट आ गया कि पैरों में गुलगुला लग रहा है. लोगों को डरा हुआ देखकर सांप फिर से किसी की पॉकेट में छुप गया. अब देखिए आगे अगला क्वेश्चन देखो. समवन स्टोल माय बाइसिकल. हाँ स्टडी द सेंटेंस. अरे ये नहीं है संबंध वाला है सर. हो गया सर. कौन सा इसको पलट लो. अगला करो सर. ये वाला है सर. सर दो क्वेश्चन मेन है. एक तो ये संबंध वही का ध्यान दीजिए. एक वो अर्लियर पासवर्ड पास. सर आप सीधा आंसर लिख दो ऐसे सेंटेंस में. लिखो सेंटेंस का आंसर लिख रहा तो वो भी कर दिया. ओके चारों हो गए क्या? दो बचे होंगे ना. उसको भी कर लो उसके पीछे. देखो ये क्या होता है बताओ. डूडल्स जाता है खाता है. ये क्या है? जाता है खाता है. जाता है ये क्या है बोलो. इज आ ये क्या है बोलो. जा रहा है. ये क्या है? जाएगा. चुका है. हैज है. क्या होगा? इतनी बात समझ आ गई. अब जरा देखो ये गया. गया का क्या मतलब होता है? वेंट. यस सर. और ये क्या है? जा रहा था. यस सर. ये बॉस वर. ही वेंट. और ये जा चुका था. यस सर. तो जा चुका था में क्या होगा? दैट इज हैड. ठीक है देख लो एक्टिव पैसिव का मीनिंग समझो. ये इसमें बदल जाएगा बस. ये किसे बदल जाएगा? इसमें. और ये वाले जो होंगे उसमें बीइंग जुड़ जाता है. क्या जुड़ जाएगा? बीइंग जुड़ता है. इतनी बात समझ आ गई. और ये इसमें बदल जाएगा. हैज का क्या हो जाएगा? हैज बीन. और हैव का? हैड बीन. और हैड का? हैड बीन. चेक करो. अगर मैं कहूँ आई राइट लेटर जरा इसमें बदलो. आई राइट.
तुम गलत बता रहे हो, अनिकेत की नहीं सुनी, कितना अच्छा बताया वो, ध्यान से सुनो जैसे बता रहा है। आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ, अ लेटर इज, इससे इसमें इसने बदल दिया, वो रूल देख के करता है, ध्यान दो। अ लेटर इज, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा रहा है वो, थर्ड फॉर्म। देखो कितना अच्छा उसने बताया, अ लेटर इज रिटन बाय, बाय भी लगेगा, अब मीन बहुत अच्छा बताया इसने। अब देखो आई रोट अ लेटर, बोलो अब बताओ, मैंने यहाँ पर रोट, आई वोट, बहुत अच्छा। देखो इन्होंने क्या किया, ऑब्जेक्ट पहले लाए और सब्जेक्ट बाद में, लेटर से शुरू करते हैं हमेशा, तुम अभी इसको देखना, इन्होंने क्या बनाया, लेटर और फिर वॉस, लेटर वॉस रिटन बाय, बोलो समझ आ गए, अब समझो, आई हैव रिटन अ लेटर, हमेशा तुम इसको कितना अच्छा है बता रहे, कितनी जल्दी से हर लेटर से शुरू करता, जितने भी से सेंटेंस शुरू किए, दिस इज द ब्यूटी ऑफ लेटर। अब देखो ये कितना अच्छा बता रहे, जैसे इन्होंने हैव देखा, यहाँ से इसमें बदले हैज बीन, लेटर हैज बीन, यही होती है, रिटन बाय, मी, बोलो बात समझ आई, आई हैड रिटन अ लेटर, आई हैड रिटन अ लेटर, अ लेटर हैड बीन रिटन, अ लेटर हैड बीन रिटन बाय, आई हैड बीन राइटिंग लेटर, सर ये नहीं होगा, आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर। देखो सुनो ये कितना अच्छा बता रहे, इनके भी सुन लो, मैं एक पत्र लिखता हूँ, पत्र मेरे द्वारा लिखा गया, जैसे कहूँ कि पुलिस कॉट द थीप, व्हाट, थीप हैड बीन कॉट, थीप हैड बीन कॉट, थीप हैड बीन, पुलिस पीछे छूट गई, पैसिव वॉइस का क्या मतलब है, एक्टिव और पैसिव, जैसे जब कार्य प्रधान हो जाए और कर्तव्य छूट जाए, सुनो इस बात को, जब मैंने कहा पुलिस अभी जल्दी मत करो, पुलिस कॉट अ थीप, थीप हैड बीन कॉट, अच्छा किसके द्वारा, बाय पुलिस, पुलिस ही पकड़ेगी, कौन पकड़ेगा, मुख्य क्या हो गया, पकड़ा जाना मुख्य हो गया, प्रिंसिपल हैज गिवन रिद्धि अ प्राइज, रिद्धि हैज गॉट अ प्राइज, रिद्धि हैज गॉट अ प्राइज, प्रिंसिपल पीछे छूट गया, ऑब्वियसली प्रिंसिपल हैड गिवन हिम पैसिव वाइज, इसलिए बार बार लेटर बोल रहा, ये सबको शांत कराना है, सुनो लेटर पहले आएगा, सुन लो, कोई नहीं सुन रहा, सब पे सुनामी आई, ये देखो कितना अच्छा बताया, अ लेटर, सुनो आई एम राइटिंग लेटर, बनाओ देखो कितना, अभी फिर बताइए लेटर से ही शुरू करता है, लेटर आई हैड, कोई मोटे दिमाग का थोड़ी ना, कैसे ही बार बार लेटर से शुरू करता है, आई एम राइटिंग अ लेटर, रिद्धि बनाओ, शुरुआत अ लेटर, A letter had been written by me. देखो इन्होंने कर दिया, is भी लगाया, being भी लगाया। A letter is तो था ही, letter के साथ ही जाएगा उसी का। और फिर being is being written by, बहुत अच्छा था। अभी एक मिनट रुको। Being written by being, I was writing a letter. बनाओ। A letter, यहाँ से देख के बनाओ, a letter was being written by me, a letter I से नहीं बनाओ, a letter was written by me, a letter was written by me, ये बात समझ आ गई, yes sir, अब सुनो ये वाला देखो, active passive कौन सा है, अरे ये कर घुमा, Someone stole my bicycle. बना दिया। Active passive. Active. कौन ले? Hello. Stole my bike.
चलो जिधर ट्रांसफार्मर है उसी तरफ की गली इसी गली में चले जाएंगे और उसमें एल के गौर के मकान के आठवां दसवां मकान है तो अब बनाओ इसे माई बाइसाइकिल यहाँ से रूल देखो माई बाइसाइकिल नहीं लगाना चल इससे बदलेंगे तब अभी यहाँ तो यहाँ से ये 9th क्लास आज कैंसिल आज घर का बहुत काम है हमारी चलेगी अभी क्या तुम्हारी ही तो चलेगी तभी तो कैसे हो रहा है अभी 10 मिनट में छोड़ समझो इस बात को सुनिए माई बाइसाइकिल वाज स्टोल इसको ध्यान दीजिए आप लोग का हो गया ना कलम नहीं रखो चलो आप जो बोले मारो क्या गांधी जी ने क्या कहा अगर एक आंख कोई फोड़े तो दूसरी आंख सामने करो ना कुछ नहीं कहा चलो सुनो इधर ध्यान दो माई बाइसाइकिल माई बाइसाइकिल समवन स्टोल ये स्टोल है यहाँ से इसमें बनाओ माई बाइसाइकिल वाज Stolen by someone. समझ में आया? अभी पूछेंगे तो बताना पड़ेगा. My bicycle. देखो, someone stole my bicycle. My bicycle was stolen. ठीक है. यही मुख्य है ये जरूर आने वाला है इसको तैयार करो. Someone stole my bicycle. सर एक चीज पूछनी थी सर इसमें तो सेंटेंस सर ए और पी लिखना है इसमें मतलब एडिटिव वो एक्टिव है या पैसिव है यही लिखना है सिर्फ इतना नहीं बनाना ये हमने पैसिव बना दिया एक्टिव से सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट कर दो और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट इसका मतलब है पैसिव कर दिया उसको मार दिया पैसिव का एक एक्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ गया और जब सब्जेक्ट की जगह ही तुमने हटा दी उसकी आत्मा ही मर गई सेंटेंस की तुमने पैसिव कर दिया रिद्धि को प्रिंसिपल के द्वारा पुरस्कार दिया गया ऑब्जेक्ट पहले ले आए बताओ सेंटेंस की आत्मा रही कुछ हाँ उल्टा कर दिया जाता है पुरस्कार मिलना प्रमुख है और जिसको दिया गया वो प्रमुख नहीं बोलो बात समझ आ गई तो माय बाइसाइकिल वाज स्टोलन बाय समवन अब जरा देखो अगला क्वेश्चन द टायर्स वर डिफ्लेटेड बाय ट्रैफिक पुलिस इसका बनाओ द टायर अभी हाथ अगर सही सही बना दोगे इस पर एक पेन है देख लो तो टायर वाज है अब कोई दिमाग लगा दे सब कुछ रूल यही लिखा हाँ, बस हम बना टायर वाज हाँ बोलो बेटा
डिफ्लेटेड, उसकी हवा निकाल दी गई टायर की, डिफ्लेटेड बाय ट्रैफिक पुलिस। अब बनाओ ट्रैफिक पुलिस सुनेंगे, बोलो डिफ्लेटेड द टायर, आप बोलो ट्रैफिक पुलिस टायर वॉज डिफ्लेटेड बाई ट्रैफिक पुलिस। ये बहुत अच्छा बताइए, इन्होंने कहा सर ये खुद ही पैसिव वॉइस है, सब्जेक्ट को सर वहां रखे हुआ और ऑब्जेक्ट है ना, इन्होंने कहा सर पैसिव है, देख लो ये क्या है पैसिव, पैसिव कहने इसको सर एक्टिव करो, टायर नहीं है वो सब्जेक्ट होता है क्या कोई काम, क्या ट्रैफिक ने पुलिस की हवा निकाल दी क्या, टायर जो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया है तो ये लोग कहने सर ये खुद वाज है, इसे यहाँ लाओ उल्टा करो, पैसिव से एक्टिव। ये बहुत अच्छा बताई तृप्ति, क्या बताया था आपने द पुलिस, सर मैंने बताया था, बोलो सर ट्रैफिक पुलिस डिफ्लेटेड द टायर, द ट्रैफिक पुलिस डिफ्लेटेड द टायर। अभी एक तो और बता के जाना, बहुत अच्छा बता दो, कितना अच्छा बता दो, उल्टा कर दिया, टायर वाज था तो ये सब्जेक्ट को पहले ले आए और क्या हो गया बताइए, भी लिखवाएंगे भी ठीक है, तो क्या हुआ बोलो ट्रैफिक पुलिस का तुम्हें कैसे आता है बेटा डिफ्लेटेड द टायर। तो आप ये बात समझ गए कि सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ही लाना एक्टिव वॉइस है, अब उल्टा कर देना टायर पहले का टायर तो सब्जेक्ट नहीं होता ना, अगला सेंटेंस समझिए, एक और ट्रायल है, आई फाउंड इट लास्ट नाइट इन टिच नियर माय हाउस, मैंने इसे गड्ढे में पाया, आई फाउंड इट लास्ट नाइट, लास्ट नाइट से कुछ लेना देना नहीं, आई फाउंड इट टाइप बनाना है, आई फाउंड इट, इसके बाद ये बता नहीं पाएंगे तुम, पहले देखें इन लोगों को क्या है, पहले नॉर्मल स्टूडेंट से पूछा जाएगा, जीनियस से बाद में बोलो, आई फाउंड इट तुमको बता भी दे रहे हैं, सब्जेक्ट की जगह ही सब्जेक्ट लिखा है यहाँ पे, देखो आई मैंने इसे पाया तो आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह यही तो एक्टिव होता है। अब ये देखें बता पाते हैं, आई फाउंड इट, आई तुम तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट भी रखोगे तो कैसे बनेगा, तुम तो बता ही नहीं पाओगे, ये सही बात है, इसको इंटरचेंज कर देता है, जैसे लेकर को इसके इट वॉज फाउंड बाय मी, सर लास्ट नाइट है वो तो लिख ही देंगे, मतलब इट वॉज फाउंड बाई मी, आई फाउंड इट, इट वॉज फाउंड बाई मी, लास्ट नाइट से तो कोई लेना देना नहीं, वो सब तो आ ही जाएगा, नियर माई डे से यहाँ पाया वहाँ पाया, बहुत अच्छी बात बताई। तो अब यही फिर से पूछेंगे अभी तुम लोगों से, फिर भी इनाम रहेगा, देखते हैं अगली बार कौन बता दूंगा, सर हाँ जब पढ़ लेते हैं, इट वॉज फाउंड बाई मी लास्ट नाइट नियर डिच, मतलब अपने गड्ढे में पाए वो लिखा है उस रूप में, ठीक है, अब देखो इट हैड बीन थ्रोन देयर, देखो इट हैड बीन थ्रोन देयर, ध्यान दीजिए इट हैड बीन थ्रोन देयर, तुमको क्या लग रहा है ये जैसे चीज है ये वहां फेंक दी गई है तो क्या है खुद फेंक गई है किसी ने फेंकी होगी, किसी ने फेंकी, ये पैसिव वॉइस है, वैसे भी हैड बीन में दिया है, हैड बीन तो पैसिव होता है, तो तुमको कहां लौटना पड़ेगा हैड बीन से, हेड में अगर लौट जाते होगे देखो तुमको बार बार चांस दिया जा रहा है, इट हैड बीन थ्रोन देयर, किसने फेंका नहीं लिखा है ना, अपने मन से सब्जेक्ट ले गया समवन, पचास रुपए रुको जरा अभी देखो कैसे सीख गया नया उगलता हुआ सितारा,
सलमान से ऊपर जाएगा। हाँ फिर से बोलो क्या लिखा? नियर डिच वो बुक में लिखा हुआ है, मतलब मैंने गड्ढे में पाया। वो तो ऐसे कहाँ पाए, वो सब तो रहता है ना। अगला सब सुनो, क्या बोलो? My father gave it to mechanic Pariha। मुझे पता करना है कि किसको कितना कितना समझ आ रहा है। Gave it to mechanic, किसको दिया उससे मतलब नहीं है। Gave it ये मुख्य है, वो तो जिसको दिया है जहाँ पाया, यहाँ से बनाओ परिया। और ये तुमको बता दे कि ये कहाँ पे है, बताओ। माई फादर की यहाँ पहले पहचान ये चीज कहाँ की, पास्ट इनडेफिनिट है कि प्रेजेंट इनडेफिनिट? पास्ट इनडेफिनिट, ये ना इनडेफिनिट, पास्ट इनडेफिनिट, इनडेफिनिट और इसको कंटीन्यूअस में परफेक्ट, उसको इनडेफिनिट से कंटीन्यूअस में करना है। परफेक्ट बना। अभी देखो श्रद्धा नहीं बता पाएगी तुम्हें, फिर इसको देगी ये जो ऐसे ही बता। ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। अब बोलो कौन बता रहा, परिया बताओ। तुमको पता चल गया कौन सा है? पास्ट इनडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म लगती है ना गेव की। बनाओ जरा सर, वो के लिए वाज। हां हां वाज ओवर देयर, बोलो ट्राई कर सकते हैं। आप अभी आपसे कर लो, बोलो निपुण बोलो। सर इट वाज गिवन टू द मैकेनिक बाय माय फादर। सर इट वाज गिवन टू मैकेनिक बाय माय फादर, ये सही। सर आपने वो नहीं बताया, मैं बताऊंगा। सर आपने तो बोला सर मैकेनिक रिपेयर्ड इट, वास्तव में मैकेनिक ने रिपेयर किया, तो ये एक्चुअल सब्जेक्ट है, इसको पैसे बदलना है ना। तो द मैकेनिक रिपेयर्ड इट बहुत बहादुर है, कहीं भी ये पहुंच जाते हैं। हाँ इट हैज बीन रिपेयर्ड बाय मैकेनिक, ये जैसे रिपेयर्ड है, ये यहाँ से यहाँ पहुंच गया है ना बहादुर। अब तुम भी बहादुर। इट हैड एनी, इट वाज रिपेयर्ड बाय एक तरह से पूछेंगे, सिद्धार्थ शुरू होगा खेल और जाके सीएस पे खत्म हो जाएगा, गुंजन पे खत्म होगा खेल, और जो खिलाड़ी नहीं बता पाएंगे दूर कर दिए जाएंगे। बोलो ध्यान दीजिए, रूल वहां है। गलत है। अब बताओ आपको मैं कोई दिक्कत नहीं, बोलो। माय बाइसिकल बाई भी लगाया दो, इतनी माफी है तुम्हारे। माय बाइसाइकल स्टोलन बाई समवन, समवन। एक और बताओ श्रोता। सर एक और कोई सा भी बता सकते हैं या वो ही वाला बता? Right.
यहाँ क्या चल रहा है? टायर था तो टायर ऑब्जेक्ट था, ये पैसिव वॉइस है, तुम पहचान नहीं पाई, टायर खुद को डिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगा, तो तुमको यहाँ से यहाँ आ जाना चाहिए, ठीक है? चलो अगले दो बताओ, अगला एक और बताओ, कोई एक बता दो, अगला बताओ, चलो ये बताओ, लास्ट नाइट छोड़ो, ये इतने का बनाओ, ये सब तो बाद में लिख दीजिए, पता चल रहा कहाँ है? सर आई फाउंड इट, फाइंड फाउंड फाउंड, फाइंड फाउंड फाउंड, पता चल रहा है? बताओ नहीं तो अपने की बताओ, आई से ही तुम शुरू करी हो, कैसा पैसिव वॉइस बना रही हो, तुम एक्सचेंज ही नहीं कर रही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का, हाँ बोलो, ये बताओ, ऐसे मत करो किसी का, ये गलत हो गया तुमने, ये इसने तुम्हारा खेल बिगाड़ दिया ना, इसका बिगड़ा था तो इसने, अगले दो, लोग ऐसे करते हैं, इसमें कुछ बोल नहीं है, इट हैड बीन थ्रोन देयर, इट हैड बीन है, पहले बताओ ये एक्टिव है कि पैसिव, ये चीज वहां फेंक दी गई, तो ये चीज खुद चली गई कि किसी ने फेंकी होगी, तो ये पैसिव है, ऑब्जेक्ट पहले लिखा गया है, तो समवन से बनाओ, समवन हैड, समवन हैड थ्रोन इट, उल्टा बनाओ, हैड मींस यहां, समवन हैड थ्रोन इट, बात समझ आ गई? अब जरा देखो दीप्ति, कोई दो बनाओ, कोई दो, It was ये वाला बना रही हो? ये बनाओ, एक और बनाओ, इट वॉज रिपेयर्ड बाय तुम्हारा एक पेन हुआ, कोई दो बनाओ, माय बाइसाइकिल स्टोलन स्टोलन बाय समवन, एक और बनाओ, ये गलत हो गया है, स्टोल से तुम बना ही नहीं पाए, स्टोलिन बोला ना मैंने, फिर से बोलो, माय बाइसाइकिल स्टोलिन, माय बाइसाइकिल वाज स्टोलिन बाय समवन, तुम वाज भी तो लगाओगे, वाज बोला ना, वाज वाज स्टोलिन बाय समवन, एक और बनाओ, चलो इट रिपेयर्ड बाय मैकेनिक, इट रिपेयर, इट वाज रिपेयर्ड बाय, इट वाज रिपेयर, आज की क्लास बेटा कैंसिल की है, मैकेनिक, घर पे कुछ काम है, हां चलो, रिपेयर्ड बाय मैकेनिक, फिर से बोलो, इट वॉज रिपेयर्ड बाय मैकेनिक, ऐसे नहीं चलता है, इट वॉज रिपेयर्ड बाय बोला है ना आपने, हाँ तो दो और बोलो, देखो ये दोनों हो गए, अगले कोई बोलो, मेरे को तो वही बोलो, दो बोलो, पचास रुपए का पेन हो गया तो लौटा देना, एक बच्चा से सर मेरा हो गया, हाँ बोलो, लास्ट नाइट बाद में लिख देना, बोलो तो क्या लास्ट नाइट नहीं होता है, वो सबसे लास्ट में लिखा था, इतने का बनाना, हाँ ठीक है, दूसरा बता दो, बताओ दो, कोई बताओ, हाँ हाँ सर, ट्रैफिक पुलिस डिफ्लेटेड माय टायर, हाँ एक और बताओ, इट से तो नहीं होगा, ये वाला बताओ, कहाँ से शुरू होगा, समवन से बनाओ ना, इसमें लिखा समवन हैड थ्रोन देयर,
रोन किक्स गलत है सर, गलत है, गलत है सर, गलत है सर, पूरा गलत है। उसने हिट नहीं, गलत है सर। आपने मेरा वाला तो फाइल किया, मैं दिक्कत कर दी थी सर। आपने वो बोला था सर, ये लो अभी रुको, ये कर रहे हो। चलो तो बताओ, ये वाला बताओ, ये बताओ पहले। आई फाउंड इट, बाकी लगा देंगे। आई फाउंड इट का बताओ, मैंने इसे पाया, ये मेरे द्वारा पाया गया। सर इट वाज फाउंडेड बाय मी, फाउंड इट वाज फाउंड बाय, ठीक है। अच्छा एक और बताओ, माय फादर गेव इट टू मैकेनिक, माय फादर गेव इट का बताओ, माय फादर गेव इट का बनाओ। माय फादर से थोड़ी ना शुरू होता, पैसे में सब कुछ पूरी आमो फेज रिवर्सल हो जाता। इट वाज गिवन बाय माय फादर सर, इट वाज टू मैकेनिक, इट वाज गिवन बाय माय फादर टू मैकेनिक, आपका हो गया। अब चलिए इतनी बात समझ आ गई। जाने से पहले इन सभी के पैसे बनाओ पेपर पे सर। ये तो ले लो, 50 अभी नहीं है मेरे पास सर। अभी आपने बोला कि ले लो, अभी बैंक से नोट निकालने की बड़ी रकम। सर उसे चेक कर लो सर, जो होंगे सर कौन से तरह का सर, हमने जॉब में कर लेंगे सर, अगर सवाल की प्रिपरेशन में कर लेंगे आधे आधे सर होंगे सर। 1 रुपया चलो इसको करो।